नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोबाइल फटने का कारण। अगर आप भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ भी घटना घटित हो सकती है। क्योंकि स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन हर कोई यूज कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके हाथ में आज के समय में एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ चुका है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गलतियां करते हैं जो गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी गलतियां हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? जैसे कि आप सबको पता होगा, आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें सावधान रहने हैं। ऐसे क्या करना चाहिए कि हमारे साथ ये घटनाएं ना घटे, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पूरी जानकारी के साथ कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे बचा सकते हैं और आप भी अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी समझ में लग सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड MG चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन जो है यूज कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, मोबाइल हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्टफोन आ चुके हैं। और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल को मिसयूज मतलब कि गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात को मोबाइल लगाकर छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। उससे क्या है, हमारी बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी बैटरी फूल सकती है और ब्लास्ट भी हो सकती है, इससे चांस उसके बढ़ जाते हैं। और आपको रात में नहीं लगाकर सोना है, अगर सोना है तो अलार्म सेट कर लीजिए 3 घंटे का, 2 घंटे का, जितने घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। सेकेंड बात, अगर आपकी बैटरी मोबाइल कहीं ऊपर से ज्यादा गिर जाता है, आपकी बैटरी थोड़ी हिल डुल जाती है अपनी जगह से, या ढक्कन खुल जा रहा है, या मोबाइल में प्रॉब्लम आ जा रही है, तुरंत आप अपने सर्विस सेंटर में जाएं ताकि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। और थर्ड की बात करें, थर्ड पार्टी आपको कोई भी ऐप ऐसा डाउनलोड नहीं करना है जो कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आपके मोबाइल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे आपका मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है ये बातें। फोर्थ स्टेप की बात करें, आपको अपने मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी है जो कि उससे ओवरलोड हो, स्टोरेज से ओवरलोड हो, जबरदस्ती चलाई गेम जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से आपको स्टोरेज में कवर करके रखना है, अपनी मेमोरी को खाली करके हमेशा रखनी है। 2-4 GB, 6 GB एडवांस खाली होनी चाहिए ताकि आपके फोन की जो फीचर हैं जल्दी वर्क कर सके और आपका मोबाइल हीट ना हो सके। और पांचवी बात की बात करें, आपको धूप में कभी भी अपना स्मार्टफोन नहीं रखना है। इससे क्या होता है, मोबाइल गर्म होने के चांस होते हैं और ब्लास्ट भी हो सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें जो कि कंपनी द्वारा दिया जाता है। आप कहीं अगर आपके पास कंपनी का नहीं है तो आप जो वैसे लोकल चार्जर यूज कर रहे हैं तो उससे भी चांस बढ़ जाते हैं मोबाइल ब्लास्ट होने के। उससे क्या है, मोबाइल में हीट गर्मी आती है, मोबाइल गर्म हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे आपने देखे होंगे, गेम खेल रहे हैं और चार्जिंग में मोबाइल लगाए अपना वर्क कर रहे हैं, इससे भी मोबाइल पे फर्क पड़ता है, उसकी
जो हार्ड डिस्क होती है वो गर्म हो जाती है, एसी जो है ज्यादा गर्म हो जाता है, कूलिंग नहीं कर पाता है, आप गेम भी खेल रहे हैं और चार्जिंग पे भी लगाकर रखा हुआ है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे मोबाइल ब्लास्ट के, कि चार्जिंग में लगा हुआ ब्लास्ट हो गया या गेम खेलते हुए ब्लास्ट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया। तो ये ऐसे आपको नहीं करना है, आप भी अपने लोगों को समझाएं जो आपके बच्चे हैं या परिवार के मेंबर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनको उनसे दूर रखिए, ऐसा ना करें ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सके। मोबाइल खेलते समय बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आपके साथ हो सकती है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग सावधान रहें ऐसा करने से। बहुत से ऐसे केस आते हैं, मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, चार्जिंग में लगा रहता है, गेम खेलते हुए ब्लास्ट हो जाता है, चार्जिंग में लगाकर छोड़ दिया जाता है तब ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसका मान लीजिए उसका 4 घंटे का चार्जिंग का समय है, आपने उसे 6 घंटा लगा दिया तो वो बैटरी फूलने का चांस होता है, जिससे आपकी बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी सतर्क रहें अपने जो समय है और अपना मोबाइल और अपने आप को सुरक्षित रखें। यही आपको बताना था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।